जी को उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे जो है ना, मेरे बच्चे ने बोला है, शुएब को अच्छे लगते हैं, तो उसने बोला है मामा आपने अगर आज नहीं ना बनाए मैं सारी ज़िंदगी आपसे ना फरमाइश नहीं करूँगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी देख लो, आलू भी छोटे छोटे मुझे मिले हैं घर पर, पहले गए थे ना मेरे पास, तो चले मैंने सोचा आज मैं ना कुछ कर ही दूँ इसको। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, आलू के पराठे बनाऊँगी। तो दो तीन दिन तकरीबन, बल्कि ये हफ्ते ही मेरा बहुत टेंशन में गुजरा है। तो मेरे भतीजे का जो बेटा था वो फौत हो गया, पहले वो इतना बीमार रहा, फिर हम उसको पूछने के लिए सरगोधा चले गए, फिर वो तकरीबन एक 15-20 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं बेचारे। डॉक्टर ने जवाब दे तो दिया था बच्चे ने बचना नहीं है, लेकिन मुसलमान इंसान जो है ना वो कभी भी रिस्क नहीं लेता ऐसे। तो मैं अभी इसको ले जाऊँ, मैं घर में इसको तसीह दूँ, या मेरे भाई ने बोला है भाई इसको हॉस्पिटल में ही रहने देते हैं। अल्लाह पाक जो है ना उस पर भरोसा है, अल्लाह पर मेरा भरोसा पुख्ता है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, बच्चा जो है ना ठीक हो जाएगा। फिर वो हॉस्पिटल में ही रहे, फिर अल्लाह को जो मंजूर वो ही हो गया। हम लोग तो अभी नहीं आए सरगोधा से, तो हम तो आ गए हैं, क्योंकि बाद में भी जो है ना हमारे रिश्ता अक्सर उन्हीं को स्कूल छोड़ कर अभी आई हूँ, क्योंकि मैं मोहन ने स्कूल जाना था ना। शुएब ने बोला मम्मा आज इसको तुम छोड़ कर आओ, क्योंकि वो मैंने शिफ्टें जो है ना लगाई हुई हैं, तो उधर मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, तो मैंने सोचा फिर मैं आप ही ले आऊँ। मुना को स्कूल छोड़ा, धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है, मिर्ची है ना ये अच्छी होती हैं, लेकिन क्या करें, मैं बुलवाल से मिर्ची भी लाई, मैंने सूखा धनिया भी पिसा हुआ डाल, नमक हाथ की मदद से ना, मैं अब मैं इनको ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास वो चॉपर क्या कहते हैं पीसने वाला नहीं है, हाथ तो है। बन गई है माशाल्लाह, आलू वाली रोटी बनी है, ये स्मेरा ये हाँ तुम ही खाओ, जेब आ जा, ये माशाल्लाह दो मिनट ये देखें इतनी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है आलू वाली रोटी। रोटी ठंडी होकर फिर ये गर्म करने लगा है, एक सुनाया सुकून नहीं मिलता, ये देखिए चूना है आटा ही, हमें रोटी बनाई है ना देखे माशाल्लाह, ये साथ लस्सी है, साथ रात को मैंने मसूर की दाल बनाई थी, और साथ पराठा है, अभी खाऊंगी पराठा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत चला गई।
क्या है बेटा आपको बताओ। अस्सलाम वालेकुम अली। मैंने अभी जल्दी जल्दी से थोड़े से कपड़े थे वो मैंने धो लिए हैं क्योंकि धोने वाले थे कपड़े, तो मैंने स्प्रिंग भी कर दी हैं, थोड़े से रह गए थे तो मैंने स्प्रिंग ये भी कर दी हैं जल्दी जल्दी से, नाश्ता तो मैंने कर लिया था। अच्छा जी, अभी मैं कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, सारा काम भी हमने कर लिया है, तो अब जा रहे हैं अम्मी के यहाँ। अम्मी के यहाँ होकर फिर हम जाएंगे बाजार, क्योंकि बाजार से कुछ चीज़ें भी लेनी है, तो इसी के साथ बाजार के साथ ही अम्मी है, अम्मी लोगों को घर है, तो इसलिए हम इधर आ गए हैं। तो अम्मी के घर से होकर कहीं जाएंगे, और अम्मी लोगों ने बिरयानी बनाई थी, हमने छापा मारा, हमें बिरयानी मिल गई हमने पेट फुल तरी कर लिया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी हुई है। अली शोर मचा रहा है, क्या करें। सामान लो ना सारियाँ, चलें उठा लो इनको। अच्छा जरा पुत्र हो, मेरे शहजादा जरा पुत्र हो, क्या क्या। अच्छा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही जी अल्लाह हाफिज़, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।